हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीधे बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में। फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है एंड काफी लोग एक्साइट हो गए हैं इस कार के बारे में, बिकॉज बहुत ही अच्छे लुक के साथ ये कार ऑफर की जा रही है। एक्सटीरियर पूरा चेंज हो चुका है, इंटीरियर पूरा चेंज हो चुका है, काफी सारे नए फीचर्स इस कार में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बनता है यार लोगों का जो एक्साइटमेंट बन रहा है इस कार के लिए। बट इस एक्साइटमेंट के चक्कर में हम ये ना भूल जाएं कि जो वेरिएंट हम ले रहे हैं क्या वो रियली वर्थ इट है लेना। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस वेरिएंट की तरफ आपको जाना चाहिए और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेटर रहेगा, एंड क्या नेक्सॉन के जो अपर वेरिएंट है वो लाइक वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको उनमें स्पेंड करना चाहिए। ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक भी करना ना भूले यार, एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो गाइस, सीधे बात करता हूं मैं टाटा नेक्सॉन के वेरिएंट्स के बारे में। एंड सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि मुझे क्या लगता है इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो कौन सा है। अगर आप इसके सारे वेरिएंट्स देखोगे ना, जो कि ये स्टार्ट होता है आपका 8,09,990 एक्स शोरूम से एंड जाता है आपका 14-15 लाख तक, तो इन सारे वेरियंट्स में अगर मैं आपको जो वैल्यू फॉर मनी वेरियंट लगता है वो लगता है इसका प्योर वेरियंट। प्योर वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है ना जिसमें आपको अपनी जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको कुछ आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फीचर्स जो हमार को नीड नहीं होती बट हम फिर भी उसकी तरफ जाते हैं, वो सब चीजें उसमें नहीं है, बेसिक सारे फीचर्स कवर करता है वो आपको। तो प्योर वेरिएंट बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हाँ, जिन लोगों का बजट टाइट है और जो लोग अपना ज्यादा बजट एक्सीड नहीं कर सकते वो लोग बेस वेरिएंट ले सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो प्लीज आप इसके प्योर वेरिएंट की तरफ जाइए रेदर देन गोइंग टू स्मार्ट वेरिएंट। प्योर वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। स्मार्ट वेरिएंट में क्या सीन है यार, आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पुरानी मिल रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पुराना मिल रहा है, 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, मैनुअल पावर विंडोज आ जाती है पीछे। तो प्योर स्मार्ट लेने से बेटर है आप प्योर की तरफ जाइए। बट हाँ, अगर ऑब्वियसली अगर बजट कंस्ट्रेंट है, अगर किसी का बजट नहीं है उस केस में वो स्मार्ट की तरफ जा सकता है, ले सकता है। स्मार्ट वेरिएंट पे बहुत जल्दी मैं नया कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा कि स्मार्ट वेरिएंट को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो, कैसे उसको एक टॉप मॉडल वाली फील दे सकते हो, तो उसके बारे में जरूर हम एक नया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। बट बात करें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तो वो है इसका प्योर वेरिएंट। अब बात करते हैं इसके जो अपर वेरिएंट है क्रिएटिव एंड क्रिएटिव प्लस की। अगर मैं बात करूं क्रिएटिव प्लस एक ऐसा वेरिएंट है, अगर आपको फीचर्स चाहिए अपनी कार में, आप चाहते हो कि आपको एक फीचर फुल कार चाहिए, आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है उस केस में और आपका बजट भी है, तो उस केस में आप इसके क्रिएटिव प्लस तक जा सकते हो। देखो, मैं स्टार्टिंग से सनरूफ का इतना ज्यादा वो फैन नहीं रहा हूँ, बिकॉज इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सनरूफ की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और यहाँ की जो वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप सनरूफ इतना यूज भी नहीं करोगे, तो सनरूफ के लिए तो फेवर में मैं कभी नहीं रहा हूँ। एंड वही चीज है, अगर आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको क्रिएटिव प्लस एस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप क्रिएटिव प्लस में जा सकते हो। क्रिएटिव प्लस तक मैं फिर भी मानता हूं कि आपको नेक्सॉन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बात चलती है अगर इसके फेयरलेस या फेयरलेस टॉप मॉडल की, फेयरलेस प्लस, फेयरलेस एस की, तो उस केस में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उतने टॉप मॉडल पे जाओ इसके और इतने पैसे लगाओ इस कार में। उस बजट प्राइस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उससे बेटर है आप एलिवेट की तरफ देखिए, होंडा एलिवेट, आप ग्रैंड विटारा देख सकते हो, आप हाईराइडर देख सकते हो। ग्रैंड विटारा हाईराइडर में आपको 4 सिलेंडर इंजन तो मिलता है, बड़ा इंजन भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक रिलायबिलिटी भी मिल रही है उस कार में। एंड प्लस बात रही यार जो लोग सेफ्टी इश्यूज की बात करते हैं, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ वो कार आती है जो कि बुरी नहीं है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। होंडा एलिवेट भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है होंडा की तरफ से, आप उस कार को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके कहीं ना कहीं उसका बेस वेरियंट या मिड वेरियंट बेस सेकेंड बेस वेरियंट आपको इस रेंज में मिल जाएगा जिस रेंज में इसका नेक्सॉन का हायर वेरियंट आते हैं। तो ये कार्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेक्सॉन के अपर वेरिएंट में जाने से बेटर है आप इन वेरिएंट्स की तरफ जाइए। और यार देखो, पैसा सबका है, हार्ड अर्न मनी है सबकी, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं आपको मैं भी टाटा की कार्स पसंद करता हूँ, मैं ऑलरेडी टाटा कार ओन कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं है कि मैं टाटा के अगेंस्ट हूँ, बट जो चीज है वो है यार, जो चीज सही बात है वो है। मेरे को नहीं लगता कि आपको 14-15-16 लाख रुपए आपको नेक्सॉन में लगाने चाहिए, उससे बेटर है कि आप
एलिवेट हाई राइडर ग्रैंड विटारा इन कार्स की तरफ जाइए। बट हाँ, अगर आप 10 लाख 11 लाख के बजट में अगर आप कार देख रहे हो तो उस केस में नेक्सॉन काफी बढ़िया कार है। आप इसके प्योर वेरिएंट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ये इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है गाइस। एंड अगर आपको क्या लगता है, आप मेरी बात से कितने हद तक सहमत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट सही नहीं है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस। छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि कौन से वेरिएंट की तरफ आपको जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।